हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ दबदबा, और देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, और पानी का साउंड देखिए कितना ज़्यादा लाउड है, और पीछे है ब्यूटीफुल नज़ारा। देखिए क्या प्यारा सीन लग रहा है, कितना प्यारा सीन लग रहा है, गजब नज़ारा लगता है गाइस। पूरा चारों तरफ देखिए, जिधर आप देखोगे, और ये है सबसे ज़बरदस्त नज़ारा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पूरा दूध ही दूध उबल रहा है देखिए, और बहुत ही गजब लग रहा है। ओ गाइस, आपने देखा मच्छी कितनी बड़ी कूदी थी, और बहुत बड़ी बड़ी मच्छी है ना इसमें, तो ऊपर कूद रही है क्योंकि ये ऊपर चढ़ रही है झरने के ऊपर, और अभी जस्ट एक मच्छी कूदी थी गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और साउंड इतना ज्यादा आ रहा है यहाँ पर। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ज्यादा खराब था, गाड़ी ही मतलब बड़ी मुश्किल से चल रही थी हम लोगों की, लेकिन फिर भी हम पहुँच ही गए। और देखिए अभी आपको दिखाता हूँ धबधबा कितना प्यारा है, और अभी आपको आवाज़ आ ही रही होगी पानी का जो साउंड है, और हमारे वीरू भाई इधर गाड़ी लगा रहे हैं। कैसा रहा सफ़र? और यहाँ से कितना गजब लगता है चारों तरफ का वो नज़ारा देखिए, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और अभी हम जाएंगे उस जगह पर, और वहाँ से आपको दिखाएंगे कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो अभी नीचे चलते हैं वहाँ फतरे में, तो वहाँ देखते हैं पहले वो पहुँचने का कोई रास्ता है क्या। उधर नीचे उतरना है यार अपने को, वहाँ पे उधर नीचे साइड उतरना है, वहाँ पे रास्ता देखते हैं कहाँ से उतरना है। उधर आगे से है ना रास्ता, आगे से रास्ता है। हाँ आगे से रास्ता है, गाड़ी यहीं खड़ी कर देते। हाँ गाड़ी लॉक कर दो नहीं। चलिए अभी मैं देखता हूँ थोड़ा सा नीचे उतरने का रास्ता, कोई अच्छा अगर सेफ रास्ता दिख जाता है नीचे उतरने के लिए तो वहाँ पे भी जाएंगे। अभी फिलहाल मैं तो पूरा जंगल में घूम रहे, मज़ा आता है लेकिन जंगल में घूमने के अंदर, कुछ भी बोलो नेचर का मज़ा ही अलग है। यार रास्ता नहीं दिख रहा मुझे कहीं से, वीरू भाई कहीं से रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे। मिल गया आ जाओ। और रास्ता देखिए पूरा भी जंगल के अंदर है गाइस, हम बीचम बीच। और देखिए यहाँ से क्या नज़ारा है गाइस पीछे के, और देखिए बिल्कुल ब्यूटीफुल व्यू, एकदम गजब लग रहा है। और इसको बोला जाता है गाइस धबधबा, नेपा नगर के अंदर अगर आप धबधबा किससे पूछते हो तो नेपा नगर के अंदर फेमस है धबधबा। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है चारों तरफ का व्यू, और वहाँ से पूरा पानी नीचे गिरता है फतरे पे से, तो बहुत बेहतरीन आवाज आती है वहाँ पे। और देखिए पानी वहाँ कितना सफ़ेद हो गया है, बिल्कुल एकदम सफ़ेद दिख रहा है। और हो सकता है कि मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी कम आए, क्योंकि यहाँ पर पानी का इतना ज़्यादा साउंड है कि आप मेरी जो वॉइस है आपको हो सकता है थोड़ी कम आ रही होगी। देखिए क्या नज़ारा है गाइस यहाँ से चारों तरफ का, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है देखो चारों तरफ आप। और यहाँ पानी रिफ्लेक्ट मार रहा है ऊपर, और यहाँ बारीक रेती कितनी प्यारी लग रही है। कोशिश करते हैं दोस्तों अगर हम वहाँ तक जा पाए तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ से गिरता है पूरा झरना का पानी नीचे, और वहाँ से जो देखने में मज़ा आएगा वो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ का देखेंगे पानी का सीन, और उसके बाद में फिर उधर भी जाएंगे हम, वहाँ पर भी तो वहाँ से भी देखेंगे क्या सीन दिखता है। सिर्फ घूमने के हिसाब से आए थे, लेकिन मैंने कैमरा रख लिया कि चलो देखते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ गया गाइस। क्या नज़ारा लग रहा है गाइस, इसे कहते हैं खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी इसे कहते हैं। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेन जगह पे, देखिए छोटा छोटा पानी लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पर रेती नहीं है, पूरा पत्थर है, मतलब यहाँ से आप जितना देखोगे, देखिए आपको दिखाता हूँ यहाँ से लेके, तो ये पूरा इतना बड़ा ये गाइस पूरा पत्थर है, जहाँ से वीरू भाई खड़े वहाँ से लेके पूरा की पूरा पत्थर है, मतलब इसमें रहती ही नहीं है। और बारीक रेत बस उस साइड में थोड़ी सी है, और देखिए क्या नज़ारा है, कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस देखिए पूरा। पीछे साइड में गाइस पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, मतलब पानी ऐसा लग रहा है जैसे दूध उबल रहा हो, तो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने के लिए। तो अगर आप नेपा नगर में हो या नेपा नगर के आसपास से हो तो ज़रूर एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा, घूमने ज़रूर आइएगा। अभी मैंने चेहरे चप्पल जूते उतार दिए और मोबाइल भी इसके अंदर रख दिया है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वाटरप्रूफ नहीं है, वीरू भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अभी वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने में दिक्कत ये है कि ये है पूरा स्लिप करने का, तो यहाँ पे पैर स्लिप हो सकते हैं, तो पैर स्लिप होने के कारण ही गाइस मैंने ना जूते मेरे उतार दिए।
और देखते हैं यहाँ पैर स्लिप तो नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है कि पैर स्लिप तो शायद नहीं होंगे। वीरू भाई आ जाओ। थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि पैर स्लिप हो गया गाइस, तो मैं सीधा पानी में गिरूंगा। वैसे मुझे तैरना आता है इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो मैं तैर के निकल ही जाऊँगा। लेकिन यहाँ से देखिए गाइस, ये हो गया पत्थर बहुत ज़्यादा निकले। ये देखिए गाइस, ये पूरा चिकना पत्थर हो गया एकदम। लेकिन ये देखिए यहाँ से दिखता है ब्यूटीफुल नज़ारा गाइस। बड़ा सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। अरे जूते उतार दो, जूते उतार दिया, जूते जूते उतार देना। आओ वीरू भाई यार, देखना थोड़ा चिकना है। पानी में चलना है तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है गाइस। देखिए शूज जो है वो हमारे हाथ में है, वीरू भाई इनके भी हाथ में ही है। क्योंकि यहाँ पर पैर फिसला तो सीधा नीचे गिरेंगे, और यहाँ पर रहती भी नहीं है, एक आधी हड्डी टूट जाएगी डायरेक्ट। कुछ भी बोलो लेकिन ब्यूटीफुल लग रहा है यार वीरू भाई। क्यों छोटा गोवा, छोटा गोवा, मिनी गोवा। क्यों मिनी गोवा। छोटा गोवा अच्छा लग रहा है यार। गाइस देखिए पीछे का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आपको बता दूं यहाँ पर है ना, मेरे को मिनी गोवा जैसा फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिनी गोवा हो। और देखिए रेती कितनी प्यारी लग रही है, बारीक बारीक, कितना प्यारा फील हो रहा है। देखिए ऐसा समंदर वाला ही हो रही है गाइस। देखिए तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और जगह भी बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।